उन्होंने जब जामिया पे हमला किया था उन्हें लगा कि ये जामिया की बात है, अबुल फजल बटला हाउस इनकाउंटर की तरह ये बात दब जाएगी। उन्होंने हरगिज़ नहीं सोचा था कि ये पूरे इंडिया, पूरे देश को हिला देगी, पूरी कंट्री को हिला, पूरे वर्ल्ड को हिला देगी। जब लड़की जलाई गई थी हैदराबाद में, तब कहाँ थी ये पुलिस? ये पुलिस रोड पे क्यों नहीं खड़ी होती लड़कियों की सेफ्टी के लिए? जामिया की लड़कियाँ पुलिस से डर रही है, JNU की लड़कियाँ पुलिस से डर रही है। क्या हमें पता नहीं कि वर्दी के पीछे क्या हो रहा है? वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ एनीथिंग नाउ। हद हो चुकी है हर चीज की। ये पुलिस जब लड़कियां जल रही हैं, जब रेप्स हो रहे तब नहीं आई रही है। ये पुलिस तब सेफ्टी के लिए कहां पर है? JNU और MU में पुलिस चाहिए या रोड पे पुलिस चाहिए हमें गर्ल्स सेफ्टी के लिए? बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ ये हो रहा है कि बेटियों का कौन से पेरेंट्स अलाउ करेंगे बेटी को? डरेंगे नहीं पेरेंट्स? जामिया में जब हमला हुआ उसके बाद मेरे पास कॉल आती है, हम आपके भाई को लेके आ रहे। दैट वाज द वर्स्ट टाइम आई कुड इमेजिन बिकॉज़ आई वाज नॉट नोइंग वो उसको किस कंडीशन में ला रहे, वो उसको गोद में ला रहे। ही इज अलाइव, ही इज डेड। दूसरे दिन मुझे मेरा भाई मिलता है फुल ऑन पट्टियों में। ये स्टूडेंट्स हम भेज रहे हैं पढ़ने के लिए, पुलिस ये करेगी? डिस्पर्स करना काम था ना, डिस्पर्स करती। क्यों आप सड़कों पर? हम साथ में जामिया और JNU के साथ, MU के साथ, जामिया के साथ, हम पूरी यूनिवर्सिटी के साथ ये जो हिंसा करे जा रहे हैं नॉनस्टॉप, ये जो एक अपना प्लान किए हुए इंस्टीट्यूट्स को तोड़ने के लिए, हम उसके लिए आए हैं कि VCs रिजाइन करे, क्योंकि ये जब तक VCs साथ नहीं दे रहे ये नहीं होता। ये VCs के साथ देने की वजह से हो रहा है। VC किसकी है ये सबको पता है, एंड वी आर टोटली अगेंस्ट दिस। हम इसके लिए विरोध कर रहे हैं कि VC रिजाइन करे, VC को छोड़ना पड़ेगा और स्टूडेंट्स पे हमला बंद करना होगा। अब ये हो गया, अगर हम अपने आवाज उठा रहे हो तो आप स्टूडेंट्स को लाठी चार्ज करेंगे, आप रॉड्स निकालेंगे। अभी आप देख रहे हो प्रोटेस्ट में कितनी पुलिस खड़ी हुई है। ये पुलिस कहाँ थी जब JNU पे हमला हुआ था? ये पुलिस कहाँ थी जब गुंडे लाठी और आयरन रॉड्स लेके दौड़े थे अंदर? पुलिस को तब संभालना चाहिए था। और अगर हम कंप्लेन करें तो पुलिस कहेगी कि हम नहीं है कुछ भी, वी डोंट नो एनीथिंग। जामिया में घुसने के लिए पुलिस धड़ाधड़ अंदर घुस गई थी मारने, और JNU पे जब गुंडे घुस रहे तो पुलिस जा ही नहीं पाई, पुलिस रोक ही नहीं पाई। पुलिस तो बाहर ही मौजूद थी मगर रोका नहीं, मौजूद थी, पुलिस उनको स्कॉट करते हुए बाहर निकाली है। क्या ये किस पे क्वेश्चन होगा? पुलिस के साथ पूछताछ नहीं होनी चाहिए इस पर? बिल्कुल, हम इसी के खिलाफ है। हमने ये देखा है कि जिन लोगों पर जुल्म होता है उन पर ही FIR दर्ज। हाँ, उल्टा शेम ऑन इंडिया, जो शेम, ये किसकी पॉलिटिक्स चल रही है? जिसको मारा गया उसी पे FIR कर रहे हैं आप? ये क्या चल रहा है? हम स्टूडेंट जाग चुके हैं और सारी एक एक यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट्स बाहर हैं। अब आप रोक ले, किसको रोकते हैं? और अब ऐसा लग रहा है कि कोई बदलाव देश में आने वाला है। बिल्कुल, इनकलाब आया है और इनकलाब आएगा। जब जब यूथ बाहर आई, जब जब वुमेन एम्पावरमेंट बाहर रोड पे आई है, हमें जीत हुई है और ये होगी। और इसी चीज से वो डर रहे, वरना हमें आवाज नहीं उठाने दे रहे। हम जामिया पे थे, शाहीनबाग की रोड पे, वी वर राइटिंग विद द चौक, वो अलाउ नहीं कर रहे थे। मैंने पुलिस से यही कहा, आप रॉड्स क्यों अलाउ किए? आप एक चौक से डर रहे, आप एक आवाज से डर रहे, और आप रॉड्स और गुंडे और हथौड़ों को अलाउ कर रहे हैं आप यूनिवर्सिटी कैंपस में? यूनिवर्सिटी सबसे सेफेस्ट प्लेस मानी जाती है, यूनिवर्सिटी सबसे होलीएस्ट प्लेस मानी जाती है, उसको आप तोड़ रहे हैं, उसके लिए आप स्टूडेंट्स पे हमला कर रहे हैं। सबसे ज्यादा इस वक्त हम देखें तो जो तालीमी इदारे हैं, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो सबसे ज्यादा खतरे में, सबसे ज्यादा खतरे में, सबसे ज्यादा टारगेट की जा रही है। हाँ। क्योंकि एक नेशन की स्ट्रेंथ उसकी यूथ है। हाँ। एक नेशन की स्ट्रेंथ उसकी स्टूडेंट्स है, और इसीलिए ये स्टूडेंट्स पे हमला कर रहे हैं। क्योंकि अब स्टूडेंट्स एजुकेट हो रहे हैं, अब स्टूडेंट्स अपने वॉइस निकाल रहे हैं। वो वॉइस अप कर रहे हैं, इसलिए इनको डर लग रहा है, इनके साथ क्वेश्चन होंगे इसलिए इनको डर लग रहा है, इसलिए ये नारे निकाल रहे हैं कि ये इंस्टीट्यूट को बंद किया जाए, JNU को बंद किया जाए, MU को बंद किया जाए, जामिया को बंद किया जाए। ये कितने इंस्टीट्यूट बंद करेंगे और कितने हमले करेंगे? आयशा घोष जस्ट बिहाइंड, सारी चोट खा खाने के बाद रोड पे है। तो आप हमारे स्पिरिट, हमारे स्टूडेंट्स के स्पिरिट्स आप समझ सकते हैं। अब आप लाठी लाएं या डंडे बरसाएं, हम डरने वाले नहीं है। अच्छा, मोदी जी ने कहा था कि लिबास से पहचानेंगे, हम कपड़ों से पहचानेंगे। हमारे प्राइम मिनिस्टर, द ग्रेट प्राइम मिनिस्टर सो कॉल्ड, इतनी क्रिटिकल सिचुएशन में ये निकालते हैं कि लिबास से पहचाने जाएंगे। आप पहचान लो ना, इतनी बड़ी पब्लिक है, आप किस किस को पहचानोगे लिबास से? आप क्या क्या निकालोगे? मैं सुप्रीम कोर्ट के उधर से गुजर रही हूँ तो अंदर से आवाज आती है, पाकिस्तानी पाकिस्तानी। मेरे साथ डी और JNU की सारी लड़कियां थी, देवर लाइक हम कल से हिजाब पहन कर आएंगे। आप हमारे मोदी इतनी क्रिटिक, उनको ये एड्रेस करना है? When he should be addressing student safety, he is saying, when he should be addressing student safety, he is saying कि लिबास से पहचाने जाएंगे। This is what he is stood for, this is what we have appointed him for.
Is this his, mean itni responsible position he is having just because of this? यानी सिर्फ धर्म के आधार पर सब बिल्कुल बिल्कुल क्लियरली मेंशन है, दिस इज वेरी क्लियर. ये एक हिंदुत्व राज बनाना चाह रहे हैं, उसी की प्रैक्टिस चल रही है. एंड थैंक्स टू मोदी कि उन्होंने हमें बहुत यूनाइट कर दिया है. वी आर थैंकफुल टू ऑल द कम्युनिटीज जो हम सब एक साथ आए हैं, एक साथ रोड पे खड़े हैं. इतना वार्म वेलकम मिला है हमें. आई एम सेइंग अबाउट माई एक्सपीरियंस. इतना वार्म वेलकम मिला है हमें फ्रॉम आर नॉन मुस्लिम ब्रदर्स एंड सिस्टर्स. वी कुड एक्सपेक्ट इट. एंड ये वो भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इतनी यूनिटी इन लोगों में होगी. इसलिए वो हिल चुके हैं, इसलिए वो स्टूडेंट्स पे हमला करा रहे हैं, इसलिए वो यूनिवर्सिटीज को तोड़ना चाह रहे हैं. तो ये हमने देखा कि जो भी बिल सरकार लेकर आई वो आसानी से जनता के बीच से चला गया, लेकिन जब बात NRC की आई, जब बात CAA की आई, तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि शायद BJP सरकार भी ये नहीं सोच पाई थी, ये परख नहीं पाई थी कि हमें इतने बड़े आंदोलनों का सामना करना पड़ेगा. उन्होंने जब जामिया पे हमला किया था, उन्हें लगा कि ये जामिया की बात है, अबुल फजल बटला हाउस इनकाउंटर की तरह ये बात दब जाएगी. उन्होंने हर किसी नहीं सोचा था कि ये पूरे इंडिया, पूरे देश को हिला देगी, पूरी कंट्री को हिला, पूरे वर्ल्ड को हिला देगी. उनके गुमान में ये नहीं थी. और जिस तरह जामिया की आवाज उठी है और JNU और MU से ये आवाज निकली है बाहर, ये अब रुकने वाली नहीं है. He should be very very aware of this कि students अब रुकने वाले नहीं है. Students पे अत्याचार नहीं चलेगा, students पे हमला नहीं चलेगा. Students are educated. They are saying कि लोगों को CAA NRC पता नहीं है. वो पढ़े लिखे नहीं है, बाकी सब पढ़े लिखे हैं. आज बड़ी संख्या, आज बहुत पढ़े, यहाँ पे सारे एजुकेटेड खड़े हुए हैं. यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं जिसको CAA और NRC पता नहीं होगा. देखिए, हमने ये देखा है कि जहाँ भी प्रोटेस्ट की बात आती है वहीं धारा 144 लागू कर दी जाती है. और अब भी पुलिस बल तैनात है. इतनी पुलिस आज यहाँ पे खड़ी है, जब लड़की जलाई गई थी हैदराबाद में तब कहाँ थी ये पुलिस? ये पुलिस रोड पे क्यों नहीं खड़ी होती लड़कियों की सेफ्टी के लिए? जामिया की लड़कियाँ पुलिस से डर रही है, JNU की लड़कियाँ पुलिस से डर रही है. क्या हमें पता नहीं की वर्दी के पीछे क्या हो रहा है? वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ एनीथिंग नाउ. हद हो चुकी है हर चीज की. ये पुलिस जब लड़कियां जल रही हैं, जब रेप्स हो रहे तब नहीं आ रही है. ये पुलिस तब सेफ्टी के लिए कहां पर है? JNU और MU में पुलिस चाहिए या रोड से पुलिस चाहिए हमें गर्ल्स सेफ्टी के लिए? बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ ये हो रहा है कि बेटियों का कौन से पेरेंट्स अलाउ करेंगे बेटी को? डरेंगे नहीं पेरेंट्स? जामिया में जब हमला हुआ उसके बाद मेरे पास कॉल आती है, हम आपके भाई को लेके आ रहे. दैट वाज द वर्स्ट टाइम आई कुड इमेजिन बिकॉज़ आई वाज नॉट नोइंग वो उसको किस कंडीशन में ला रहे, वो उसको गोद में ला रहे. ही इज अलाइव, ही इज डेड. दूसरे दिन मुझे मेरा भाई मिलता है फुल ऑन पट्टियों में. ये स्टूडेंट्स हम भेज रहे हैं पढ़ने के लिए, पुलिस ये करेगी? डिस्पर्स करना काम था ना, डिस्पर्स करती. बदला लिया गया यहाँ पे क्लियरली. डेफिनेटली, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए आपका न्यूज़ मैक्स से. साफ तौर पर जो जामिया की छात्रा हैं वो कह रही हैं पुलिस पर काफ़ी गुस्सा भी है, क्योंकि आज जो मंडी हाउस से प्रदर्शन मार्च चल रहा है, जो JNU के छात्र हैं उनकी सॉलिडेरिटी में, उसमें बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है ताकि कोई दुर्घटना ना हो सके, कोई बदइंतजामी ना हो सके. लेकिन साफ तौर पर इनका ये कहना है कि पुलिस का जो काम है वो जिम्मेदारी से नहीं किया जा रहा है, कहीं ना कहीं एक बदले की भावना से पुलिस अपनी कार्रवाई को अंजाम दे रही है.